देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। ऐसे में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्र सरकार के इस अभियान का स्वागत किया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एवन टीवी से खास बातचीत में कहा कि केंद्र को पैकेज का डिविजन राज्यों से चर्चा के बाद करना चाहिए। इसी बीच महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। महामारी से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर देश आत्मनिर्भर बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषणा की गई 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्य सचेतक महेश जोशी। महेश जोशी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसको किस रूप में देखिए? देखिए, अभी कई तरीके की शंकाएं हो रही है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि एक बड़े पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन ये पैकेज बिल्कुल नए तौर पर शुरू होना चाहिए। इसमें अगर हम पिछले जो हमने संसाधन दिए हैं, धनराशि दी, उसको जोड़ेंगे तो फिर 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि कम रह जाती है, जो शायद पर्याप्त नहीं होगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो शंकाएँ लोगों के मन में आ रही हैं कि इसका डिवीजन कैसे होगा, इसमें पुरानी धनराशि को जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा, मैं ये प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इस धनराशि का उपयोग राज्यों की सहमति से, राज्यों की सलाह लेकर किया जाना चाहिए। जो बड़े उद्योग जो उद्योगपतियों के और श्रमिकों के, दोनों वर्गों के जो संगठन बने हुए हैं, उनकी भी राय ली जानी चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके इसका आवंटन करेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर परिणाम आएंगे। देश आत्मनिर्भर बने इस विजन के साथ इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। हालांकि एक चुनौती कोरोना वैश्विक महामारी देश के सामने है, लेकिन इस विजन जो रखा है आत्मनिर्भर बनाने का, उसको किस रूप में? ये देश हमारा आत्मनिर्भर हो, हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने सपना देखा था, गांधी जी कहा करते थे कि आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई बात नहीं, तो ये सपना हम शुरू से देख रहे हैं। सिर्फ इस पैकेज के कारण हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे ये कहना उचित नहीं है। हम आत्मनिर्भर रहें, जो कमियां हैं उनको दूर करें। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कहीं पे आप ये फैसला ले रहे हैं कि इस जगह पर सिर्फ स्वदेशी माल रखा जाएगा, ये अच्छा फैसला है। तो आत्मनिर्भर हम बने ये कोशिश चाहे इस 20 लाख करोड़ रुपए से हो, चाहे इसके बाद हो या इससे पहले की जो कोशिश है, हम सब इस बात का स्वागत करेंगे कि देश आत्मनिर्भर बने। डाउन 3.0 17 तारीख को पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो चौथे चरण की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, प्रधानमंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। आपको लगता है कि आगे जो लॉकडाउन 4.0 आया है उसकी राज्यों के ऊपर छोड़ा जाए, इसका कि किस तरह से लागू हो, ये कितने दिन का हो, पूरी तमाम अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मांग की गई, शुरू से मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं, और मैंने जो हमारी वीसी हुई थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में, उस वीसी में भी मैंने ये बात की थी कि भाई आप शुरू से मांग कर रहे हैं कि स्वायत्तता दी जानी चाहिए राज्यों को, हम आपके बात का समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार को भी राज्यों पर छोड़ना चाहिए कि लॉकडाउन को कैसे खोला जाए। कुछ नीति जरूर केंद्र सरकार बना सकती है, उस नीति के बाद में उसको लागू किस तरीके से हो उसको, उसके बारे में राज्य सरकारों को अवसर देना चाहिए कि वो अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले सकें। अभी जो लॉकडाउन में जो छूट दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं तो परसों भी मैंने वीसी में कहा था कि आपने एक नए माहौल की शुरुआत की है, आपने कुछ इस कल से पहले परसों पार्लर रोज भी उन्होंने खोला था। मैंने कहा जो कुछ छूट आपने दी है उस छूट से लोग निराशा के माहौल से बाहर आने लगे हैं, लोगों को लगने लगा कि हम वापस सामान्य ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि एकदम से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, हम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हम कितने सामान्य हो पाएंगे इस बात को मन में रखते हैं, सामान्य बनने की कोशिश तो करें। बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, बात करें आप, करें राज्यों को ये अधिकार दिया जाए, लेकिन जिस तरह राज्य सरकार की ओर से छूट दी जा रही है, कल रात को भी आदेश जारी हुए हैं, 8 प्रकार की दुकानें, मिष्ठान भंडार की हों या प्लम्बर की हों, इलेक्ट्रिक की हों, ये दुकानों को छूट देने की बात कही गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? जब केसेज कम थे तो पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया, अब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो ऐसे मामले में लगातार छूट दी जा रही है? संक्रमण से बचाव तो जनता अपने आप ही करेगी। देखिए आज कोरोना के मामले में जनता इतनी सचेत है, सारे लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं,
सरकार भी एडवाइजरी दे कर रही है, सरकार नियम कायदे कानून भी ऐसे लागू कर रही है कि ज़्यादा लिबर्टी जनता नहीं ले ले, लेकिन सबसे बड़ा जो संक्रमण से बचाव है जनता खुद करती है, जनता करने की कोशिश भी कर रही है। मैं जनता को भी अप्रिशिएट करता हूँ, हम चंद लोगों के आधार पर पूरी जनता को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो लोग इसके नियमों का अवहेलना करें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और सख्ती से कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई शुरू भी हो गई है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये छूट दिया जाना न्याय संगत है, अच्छा है। सवाल, आपने कल कुछ सुझाव दिए जिसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, ऐसी गाइडलाइन तय हो कि कितने लोग एक मकान में रहते हैं, इस तरह के आपने सुझाव दिए? मैंने एक नई अवधारणा अपने बने हमारे देश में, हमारे राज्य में, इस बात को लेकर मैंने कहा कि भाई एक मकान में 200 लोग रह रहे हैं, कोरोना वायरस अगर फैल गया कैसे उसको दूर करेंगे, कैसे हम उनको बचाएंगे? एक मकान में 150 लोग रह रहे हैं, एक में 300 लोग रह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नई म्यूनिसिपल गाइडलाइंस बननी चाहिए, एक मकान में एक कमरे में कितने लोग रह सकें। इससे निश्चित रूप से किसी भी ऐसे संकट, सिर्फ कोरोना संकट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी संकट से बचाव के टाइम पर हम लोग को मदद मिलेगी। साथ ही जो समस्याएँ शहरों में होती हैं, जब इसका फैलाव थोड़ा सा ठीक तरीके से होगा, लोगों को रहने की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी मिलेंगी, तो सफाई की बात है, सीवर की बात है, गंदगी की बात है, सड़कों की बात है, इन सब में सुधार आएगा। तो मैंने ये कहा कि म्युनिसिपल जो रूल्स हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए और नए रूल्स बनने चाहिए। तो महेश जोशी कह रहे हैं कि राजद जो जिस तरह की प्रधानमंत्री की ओर से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, इस पैकेज की समीक्षा हो, साथ ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ चर्चा हो और इसके बाद ही इसका डिवीजन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।